बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन, माय यूट्यूब चैनल अपनी हनी विद पंजाबी कल्चर। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है दही की लस्सी। दही की लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी दही लेंगे। दही जो है वो बिल्कुल करका है, दही तैयार शुदा है। एक कटोरी दही लेंगे और इसके अंदर घर की तैयार की हुई काफी की लस्सी है जो एक ग्लास भर के लेंगे। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत कम वक्त में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो चीनी के ऐड करेंगे। शुगर ऐड करनी है, शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 3 चम्मच मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है और इसी के साथ इसके अंदर क्यूब्स ऐड करेंगे। हमारे घर में तो तकरीबन डेली रूटीन में सुबह टाइम जो है ये घर के जितने भी अफराद हैं छोटे से बड़े सब जो हमें सुबह टाइम जो है ज़रूर चाटी की लस्सी जो है ये दही की लस्सी ये ज़रूर पीते हैं। वैसे भी ये बहुत मज़े की होती है और आप आसानी से 2 से 3 घंटे जो है इसके बाद जो है वो नाश्ता कर सकते हैं 2-3 घंटे बाद। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है। वैसे भी ये विटामिन से भरपूर है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे ब्लेंड करेंगे। ज़्यादा देर ब्लेंड नहीं करना क्योंकि इसके अंदर दही भी ऐड है और आइस क्यूब भी ऐड है। ये ना हो कि इसके ऊपर जो है वो घी आ जाए, चिकनाई आ जाए, इसलिए इसे ज़्यादा जो है वो ब्लेंड नहीं करना। ये तकरीबन जो है वो हमारी जो लस्सी है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसे शुद्ध करते हैं। अपने प्यारे से खूबसूरत से ग्लास के अंदर फसला दिए, अपने प्यारे से खूबसूरत से वहाँ के अंदर जो है वो चाटी की जो दही की सुबह सुबह फ्रेश लस्सी है वो ऐड करते हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। हमारे एरिया में एक जो है लस्सी का जो एक दही की लस्सी का जो एक मग है वो जो है तकरीबन 120-150 में जो है मिलता है। बादाम है, 2-3 इसके अंदर बादाम ऐड करें। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आप सुबह सुबह फ्रेश जूस को पी रही हैं। बहुत ही यम्मी यम्मी रेसिपी है माशाल्लाह जी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो माय यूट्यूब चैनल अपनी हनी पंजाबी कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम रेसिपीज आप तक आसानी से पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।